टीवी सीरियल कुंडली भाग्य में प्रीता के किरदार से घर घर में मशहूर एक्ट्रेस श्रद्धा आर्या किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उन्होंने पिछले साल ही नेवी ऑफिसर राहुल नागल संग सात फेरे लिए थे, लेकिन इसी बीच श्रद्धा के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो फूट फूट कर रोने लगी। शादी के बाद पहली बार श्रद्धा आर्या को इस तरह रोते हुए देखा गया है, जिसके बाद से फैंस ये जानना चाहते हैं कि आखिर श्रद्धा आर्या को किस बात पर रोना आ गया। दरअसल हाल ही में हुए जी रिश्ते अवार्ड में श्रद्धा आर्या और शक्ति अरोड़ा को बेस्ट जोड़ी अवार्ड से नवाजा गया। जब वो अवार्ड लेने स्टेज पर पहुंची तो रोने लगी। एक्ट्रेस को अचानक से रोता देख एक्टर शक्ति अरोड़ा चौंक गए। तभी श्रद्धा ने कहा, एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि हमें फेवरेट जोड़ी का अवार्ड क्यों दिया जा रहा है, जबकि हमारी जोड़ी तो कुछ समय पहले ही बनी है। फिर मुझे एहसास हुआ कि ये अवार्ड शक्ति और श्रद्धा का नहीं बल्कि करण और प्रीता का है। ये बात बोलते हुए श्रद्धा आर्या फूट फूट कर रोने लगी। श्रद्धा ने आगे कहा कि मुझे नहीं पता, मैं कभी इमोशनल नहीं होती, मैं नहीं जानती मैं कैसे इमोशनल हो रही हूँ। ये करण और प्रीता की विरासत है जिसे अर्जुन जिंदा रख रहे हैं। मेरे साथ एक शानदार और गजब की जोड़ी बनने के लिए थैंक यू करण उर्फ धीरज, और इस जोड़ी का ग्लैमर, प्यार और नोक झोंक बरकरार रखने और इसे आगे बढ़ाने के लिए थैंक यू शक्ति। श्रद्धा आर्या को रोता देखकर फैंस कयास लगा रहे हैं कि श्रद्धा आर्या अब भी अपने को स्टार धीरज धूपर को मिस करती हैं। बता दें, एक समय में श्रद्धा आर्या अपने अफेयर की खबरों को लेकर भी खूब सुर्खियों में छाई रहती थी। एक्ट्रेस का नाम करण कुंद्रा के साथ जुड़ा था। अफेयर और रिलेशनशिप की खबरों ने जब जोर पकड़ना शुरू किया तो श्रद्धा ने चुप्पी तोड़ते हुए करण कुंद्रा के साथ अपने रिलेशनशिप का सच सबको बताया था। श्रद्धा आर्या ने साल 2021 में करण कुंद्रा के साथ एक म्यूजिक वीडियो में काम किया था। इसकी शूटिंग के दौरान दोनों के अफेयर की खबरें चर्चा में आने लगी। फैंस भी करण और श्रद्धा को एक साथ देखना काफी पसंद कर रहे थे। जब करण और श्रद्धा का म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ तो उनकी रोमांटिक केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया। इसके साथ ही दोनों के रिलेशनशिप की खबरों को भी हवा मिल गई। एक इंटरव्यू में जब श्रद्धा आर्या से करण कुंद्रा के साथ रिलेशनशिप के बारे में पूछा गया तो एक्ट्रेस ने कहा कि हमारी पहली मुलाकात दोस्त की तरह हुई। श्रद्धा ने बताया, गाने की शूटिंग के बाद वो एक बार करण से मिली थी और उनके साथ लंच पर गई थी। उसी दौरान करण कुंद्रा और टीम ने मिलकर श्रद्धा के लिए प्री बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी कर ली थी। श्रद्धा ने कहा था कि उसी दिन उन्होंने करण के साथ बहुत सारी फोटोज क्लिक की और इंस्टाग्राम स्टोरीज पर शेयर कर दी। एक्ट्रेस के मुताबिक उसी के बाद से उनकी करण के साथ अफेयर की खबरों को हवा मिल गई। यहां तक कि एक्ट्रेस को लोग फोन करके इस रिलेशनशिप को ऑफिशियल करने की बधाई तक देने लगे। श्रद्धा ने अपने रिलेशनशिप पर जब सफाई देते हुए लोगों से कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, तब भी लोगों ने कहा, अरे कपल नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, दोनों एक साथ बहुत क्यूट लग रहे हो। अफेयर की खबरों के चर्चा में आने के बाद सिर्फ श्रद्धा ने ही नहीं बल्कि करण ने भी श्रद्धा संग अफेयर या डेटिंग की खबरों से इनकार किया था। राहुल लागपाल से शादी की इससे पहले एक्ट्रेस का दो बार दिल टूटा। पहले श्रद्धा आर्या ने साल 2015 में एनआरआई जयंत रत्ती के साथ सगाई की थी, हालांकि शादी तक पहुंचने से पहले ही उनका ब्रेकअप हो गया। इसके बाद एक्ट्रेस एंटरप्रेन्योर और वकील आलम मक्कड़ के साथ रिलेशन में रही। दोनों का रिलेशन तब सामने आया जब कपल ने नच बलिए 9 में हिस्सा लिया। दोनों की प्यार भरी कहानी अच्छी चल रही थी कि फिर अचानक कुछ समय बाद इनका ब्रेकअप हो गया। आखिरकार श्रद्धा को राहुल के रूप में अपना सच्चा लाइफ पार्टनर मिला। दोनों की मुलाकात कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी। वहीं जब राहुल की ट्रांसफर कहीं और हो गई तब दोनों को एहसास हुआ कि इनके बीच दोस्ती से कुछ ज्यादा है। ऐसे में उन्होंने शादी का फैसला लिया। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।